वो सारे के सारे उस 50 फुट गहरे गड्ढे में गिर गए। जितने भी ज़्यादातर डेथ हुई हैं उनके सर नीचे की तरफ थे। पुरानी बर्फ यानी कि ग्लेशियर, कितने सालों के ग्लेशियर थे, वो भी आया इकट्ठा एकदम से। सवा 6 बजे हैं और पूरा अंधेरा हो रखा है। मेरी संडे की वीडियो पता नहीं आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, बारिश हो रही है। मेरा काढ़ा तैयार है, फिलहाल मेरा गला ठीक हो चुका है। मैंने क्या कहते हैं, कल रेनू के साथ गई गोलगप्पे खा लिए। रेनू कह रही मैं नहीं खाऊंगी, वो कहीं गई थी, मेरे को सामने पानी पूरी वाला देख लिया और गला ठीक। मैंने कहा एक हमारी आंटी थी, उन्होंने क्या कहते हैं बुआ जान पहचान वाली, वो कहती थी मेरा लस्सी से ठीक होता है हमेशा, और कल मेरा गला एकदम ना कोई रात को चौक हुआ ना कुछ हुआ, बस क्लास तरीके से ठीक हो गया। श्रृंगार के ना यह पेड़ है हमारा यहाँ पे, ये नीचे सुबह सुबह उठो तो ये फूल गिरे रहते हैं, इतने अच्छे लगते हैं और इतनी अच्छी खुशबू आती है ना इस टाइम, मैं बता नहीं सकती। पूरे इसमें डेली गिरे मिलेंगे, पता नहीं ये मुझे लगता है रात को होते हैं और सुबह गिरे मिलते हैं। ओ देखो कितने सुंदर बादल लग रहे हैं ऊपर जाते हुए। यहीं पे राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे साथ गंगा जी के बढ़िया बढ़िया दर्शन कर रहे होंगे। ये वीडियो आज ही बना के अभी अपलोड करना पड़ेगा क्योंकि इस घटना को हुए 2 दिन हो गए हैं और मैं लेट चल रही हूँ थोड़ा, क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी तो बीच में एक दिन बिल्कुल रेस्ट किया, बनाया ही नहीं वीडियो। पता है धीरे धीरे सर्दी बढ़ रही है तो उस सर्दी में अभी ये लगता है कि इतने एवलॉन्च वगैरह आ रहे हैं, जो आपने रिसेंट न्यूज़ सुनी होगी, और इतने लैंडस्लाइड हो रहे हैं बारिश में, तो अभी मुझे लगता नहीं है कि पहाड़ों पे जैसे जाएं एकदम से, क्योंकि जाती हुई बारिश भी काफ़ी कुछ कई बार नुकसान कर जाती है। ठंड भी एकदम से ठंड आ जाती है और ऊपर से लैंडस्लाइड वगैरह ये सब चीज़ें भी काफ़ी हो रही हैं, तो मैंने कहा एक बार नॉर्मल हो जाए, प्रॉपर तरीके से सर्दी आ जाए, फिर कहीं निकलते हैं ढंग से। और हमारा ऋषिकेश में मेरे को हमेशा लोग पूछते हैं कि बारिश ज़्यादा हो रही है तो क्या वो सेफ़ है ऋषिकेश? ऋषिकेश तक हमेशा सेफ़ रहेगा आपको बारिश में भी। अब गंगा जी का जल स्तर यहाँ तक तो जब केदारनाथ जी की आपदा आई थी तब आया था, तो तब तक तो सेफ ही है मतलब यहाँ तक। और देखिए मेरा पेड़ कितना बड़ा हो गया, देखते देखते मेरी नज़र पड़ी है ये। अरे कितने खुशी की बात लग रही है ना, जैसे कोई गुजरात से आ रहे हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं, तो बॉम्बे में भी बारिश हो रही है लेकिन हल्की फुल्की। अगर पतला सा कोई स्वेटर शाम के टाइम पे या हल्की फुल्की जैकेट रख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अभी फ़िलहाल। हाँ लेट आएंगे तो फिर तो सर्दियों का सामान लाना पड़ेगा। भैया बोल रहे थे, वरुण भैया, कि मेरा पेड़ है कि नहीं है। पेड़ एज इट इज़ खड़ा हुआ है, बस पत्तियाँ गाय के द्वारा खाई गई हैं, पेड़ में पत्तियाँ फिर आ जाएंगी तो टेंशन ना लें। ऐसे मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मेरा पेड़ तो बड़ा हो गया अब काफ़ी, अब उसको कोई टेंशन नहीं है, तो उसका जो ट्री गार्ड है वो इसमें लगा दूंगी तो ये पीपल का पेड़ भी चल जाएगा। और ये ऐसा लग रहा है कि ये भी एक आने वाले समय में बीच बना दिया जाएगा, ये नहीं कि अभी मिट्टी इसको करके हटा दें धीरे धीरे, मुझे तो कोई चांस नहीं लग रहे हैं। लोग फिर वहाँ जाके नहाया करेंगे, बहुत डेंजरस हो जाया करेगा, बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। आज मैं आपसे बात करने वाली थी, जो अभी एवलॉन्च हुआ है द्रौपदी का डांडा पीक 2 पे, वो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग के जरिए आता है, माउंटेनरिंग के उसमें आता है, जैसे जो शिवा दिया ने किया था तो वहाँ पे क्या था, NIM की जो मैं बताती थी ना कि दिया वहाँ से ट्रेनिंग करके आई है, उसी में भी ये ट्रेनी लेके जा रहे थे अपने, तो ट्रेनियों के साथ ये हादसा हुआ है और वो इसकी प्रैक्टिस द्रौपदी का डांडा पीक 2 पे ही कराते हैं ज़्यादातर। सूरज
जी मिले हैं और मीनू जी, और आप मदन लाल आंटी जी नमस्ते। अच्छा जी, तो कहाँ से? जलंधर। जलंधर से? शुरू से ही, जब से शर्मा साहब बनाते थे वीडियो तब से देख रहे हैं। वो इतने फनी और इतने मतलब वो जिंदा दिल थे ना, मजा आता था उनकी वीडियो देख के। पर जो अब होना है वो होना ही है। हाँ जी, आइए, हमारी आंटी आ गई है मॉर्निंग वॉक करके। अच्छा जी, अच्छा जी, मेरा वीडियो पहले देखती थी जब ऋषिकेश शिफ्ट नहीं हुई थी, अब ऋषिकेश शिफ्ट होने के बाद इन्होंने देखना बंद कर दिया है ना। बोल रही थी अब तो मैं आ गई। और इनको बहुत अच्छा लगा, ये देखो बुलाया मुझे 5-6 दफा वहाँ फोन किया तो आएगी तुझे ऋषिकेश देखना की क्या चीज है। आप वीडियो देखा करो आंटी, आंटी कह रही है इतना महंगा यूट्यूब वो कर दिया, ऋषिकेश कर दिया यूट्यूब पे डाल डाल के। हमने क्या किया, जलंधर में जो रेंट ज्यादा हो गया, ऋषिकेश जा रहे हैं, होटलों के रेंट ज्यादा हो गए। मेरा मन कर रहा है मैं वीडियो गंगा जी किनारे ही बनाऊं, पहले मैं अपने उस पे जा रही थी, लेकिन इतने सुंदर नज़ारे देख के ना मन कर रहा है कि यहीं पे घूम के वीडियो बनाऊं भाई। तो आपको बता दूं, द्रौपदी का डांडा पार्ट टू, चोटी को पार्ट टू बोलते हैं, जो उसकी पीक थी उत्तरकाशी में है ये। नेहरू के जो एडवांस लेवल के कोर्स की ट्रेनिंग होती है वो इसी वाली प्रोडक्शन उस पर होती है। उसमें टोटल 41 मेंबर थे, जिसमें कि 35 जो थे वो ट्रेनी थे, 60 ट्रेनर थे, बाकी पोर्टर्स थे। मुझे ना जंगल में जाना पड़ेगा अपने वाले में, क्योंकि ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है। एक ये बहुत अच्छा वो है आश्रम, आप इसमें ट्राई कर सकते हैं, योग निकेतन आश्रम। इधर से जाऊँगी, इधर बहुत ट्रैफिक है। यहाँ की जान निकल जाती है क्योंकि एकदम बिल्कुल ऊपर है ना। पहले मैं आपको बता दूँ, एवलॉन्च बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता। तो एवलॉन्च ना थोड़े थोड़े करके आते रहते हैं पहाड़ों पे, लेकिन ये एवलॉन्च अलग था। मतलब ये बर्फ़ जो फ्रेश बर्फ़ होती है वो गिरती रहती है, कई बार ज़्यादा भी गिरती है। ये एवलॉन्च से अलग थी क्योंकि इसके साथ पुरानी बर्फ़ यानी कि ग्लेशियर, कितने सालों के ग्लेशियर थे वो भी आया इकट्ठा एकदम से। जो पीक करते हैं वो 3-4 बजे ऐसे चढ़ाई शुरू कर देते हैं, ताकि जैसे मैंने आपको बताया था स्वर्गारोहिणी जाने से पहले 8 बजे पीक वहाँ पे पहुँचना है, 9 बजे मतलब, उसके बाद धूप निकलती है तो ये पिघलने लगती है, तो खतरा बढ़ जाता है। क्रेवास आपको बता देती हूँ, क्रेवास ग्लेशियर का वो हिस्सा होता है जो जिसमें दरारें पड़ जाती हैं, और कई कई फुट गहरी दरारें होती हैं और बहुत डेंजरस होती है। इन्होंने जैसे ही चढ़ना शुरू किया था ना, मतलब करते जैसे पहुंचे थे, तो इनके ट्रेनी मैंने राजकुमार हैं और एक सुनील थे, उनका इंटरव्यू सुना था कि क्रेवास को क्रॉस करने के लिए, क्रेवास था बीच में, उसको क्रॉस करने के लिए वो क्लिप लगा रहे थे। वो कह रहे जैसे ही मैं ऊपर की तरफ गया, ऐसे ही मतलब पता ही नहीं चल पाया, एवलॉन्च बहुत स्पीड से एकदम आया और पीछे क्रेवास था। क्रेवास कम से कम 50 फुट गहरा था, वो 50 फुट गहरा। और एक बात बताऊं, इनको चेतावनी दी गई थी क्योंकि केदार घाटी में 3 दिन पहले एवलॉन्च आए थे ऊपर केदार घाटी में, तो इनको बोला गया था कि आप ना करें, मौसम ख़राब है, अगस्त और सितंबर में बारिश ज़्यादा होती है, देख रहे हैं आप कितनी बारिश हो रही है, तो उसमें बर्फ़ पिघलती है, तो ये एवलॉन्च क्या कहते हैं, एवलॉन्च ज़्यादा आते हैं क्योंकि बर्फ़ बड़े बड़े क्रेवास भी बनते हैं। इन्होंने अपनी चढ़ाई शुरू की, उसके बाद इन्होंने जैसे क्लिप लगाते हैं ना, क्लिंच लगाते हैं वो, अलग अलग रस्सी बांधते हैं, वो रस्सी बांधी, तभी ऊपर से बहुत स्पीड में एवलॉन्च आया, वो सारे के सारे उस 50 फुट गहरे गड्ढे में गिर गए और उस ऊपर से बर्फ़ आ गई। और बर्फ़ में क्या था, नॉर्मल एवलॉन्च होता तो वो बता रहे थे कि इनकी क्लिप थोड़ी बहुत हिलती हैं,
मतलब उखड़ती नहीं है। अब उसमें ग्लेशियर की बर्फ भी आई थी, कितने हजारों साल पुरानी बर्फ होती है और वो एकदम डार्क ग्रीन होती है। मैंने ये फॉरेनर बहुत जाते हैं ना हमारे यहाँ पे आके, तो वो लोग गए थे, उन्होंने वो पता लगाया था कि ये बहुत सारी डार्क ग्रीन कलर की वो थी और एकदम शीशे की तरह चमक रही थी, बहुत पुरानी बर्फ थी वो। वो बर्फ भी साथ आई, उसकी वजह से वो प्रेशर से दब गए। किनारे पे पेड़ लगाए हैं बहुत सारे। इधर आ गई, इधर बहुत क्राउड था और रश बहुत ज्यादा था। जो ऊपर चढ़ रहे थे सबसे पहले, मतलब ट्रेनर थे उनके वो, और एक ट्रेनी बीच में था, बीच में या लास्ट में थे वो शायद, और एक और थे उनके लास्ट में। वो चार दिखाई दिए कि ये सही सलामत है, बाकी बीच की जो लाइन थी, बीच में जो ट्रेनर थे और ट्रेनी थे, वो नहीं दिखाई दी उनको। और नीचे क्रेवास में से आवाज़ आ रही थी बचाओ बचाओ की, तो वो लोग कूदे उसके अंदर फटाफट से, एक गया, दो गए, तीन गए, चार गए, वो सारे 50 फुट उस गहरे क्रेवास में कूदे हैं। तो कह रहे कि एक आदमी का उन्होंने हाथ देखा कि एक हाथ फंसा हुआ था और एक ट्रेनी था वो, एक ट्रेनी मतलब जो ट्रेनिंग लेने आए हैं और ट्रेनर जो ट्रेनर ट्रेनिंग दे रहे हैं, मतलब टीचर और शिष्य का इस तरीके से लगा लीजिए। कह रहे कि मेरा एक हाथ निकाल दो तो मैं अपने आप निकल जाऊँगा, क्योंकि मुँह तो ऊपर ही था, जिनका मुँह ऊपर रह गया वो बच गए। तो उन्होंने उसका एक हाथ निकाला, इतने फिर वो दूसरे को निकालने लगे, मतलब फटाफट उन्होंने निकाला, चार निकल आए एकदम से, क्योंकि उनके मुंह पर थे। फिर वो जो सविता जो यहाँ की उत्तराखंड की चमोली में रहती हैं वो, और एक और लेडी थी नूमी, उन वो दो उनको निकाला, तो वो डेड बॉडी निकली। क्योंकि अगर इसमें ना 10 मिनट क्या, क्योंकि वो अब मैनुअली काम कर रहे थे ना, किसी को बुला नहीं सकते थे। उनको ना ऐसे करके कुछ, जैसे एवलांच वगैरह आते हैं तो अपना मुंह, नाक और मुंह ये रोकने की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि मेरे ख्याल से जो बर्फ़ वगैरह कोई भी एकदम से आता है, छोटे मोटे एवलांच के लिए होगा। ये तो पूरा ग्लेशियर था, और जिनके सर नीचे की तरफ रह गए ना, अगर नीचे की तरफ, जितने भी ज़्यादातर डेथ हुई हैं उनके सर नीचे की तरफ थे। वो कह रहे थे कि जिनके सर नीचे को हो गए तो वो तो 4-5 मिनट में वो डेथ हो जाती है उनकी। अभी तक 26 बॉडी मिल चुकी हैं, जो मैं दोबारा से बता रही हूँ, और बाकियों को रेस्क्यू कर लिया गया। 3 मिसिंग है, तो मिसिंग वाले भगवान, अब वही है ना, जाको राखे साई है, मार सके ना कोई, हो सकता है। और ना सारी ट्रेनिंग वो सारी जो इनकी वो हो रही है ना, मैनुअली हो रही है, क्योंकि ऊपर अभी एवलांच हो रहे हैं, आए जा रहे हैं, बारिश हो रही है, स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, तो रेस्क्यू करना ऐसे में बहुत, हेलीकॉप्टर से तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैनुअली जो लोग जाके वहाँ खुद ही कर रहे हैं। तो इसका बताने का लॉजिक ये था। उसके तुरंत बाद एक वीडियो मेरे पास अभी आया साथ में, अंटार्कटिका से रिलेटेड एक वीडियो आया था कि इस बार सबसे ज़्यादा 15% बर्फ पिघली है, यानी कि कितनी तेज़ी से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। लेकिन हमें कुछ मतलब ही नहीं होता ना, क्योंकि इसका इम्पैक्ट तो, मतलब जो बर्फ़ है और जो कितनी जल्दी से वो पानी में कन्वर्ट हो रही है, ये जब लोग डूबने लगेंगे ना, कई कई धीरे 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 करके कई शहर जो है वो डूब जाएंगे, तब पता चलेगा। ऐसे नहीं पता चलेगा, स्लोली स्लोली होता है ना ये काम। फिर आपको याद होगा मैं रुद्रनाथ गई थी, रुद्रनाथ में मैंने आपको नंदा देवी के सामने जो दिखाई थी पीक, उसकी पीक में भी उसको, उसमें 5 स्वर्गारोहिणी गए थे बाहर पर्वत, मतलब वो उनको वही बोलते हैं ट्रेनर जो गए थे पर्वतारोही, 5 या 7 गए थे, उसमें से उनकी 5 या 10 दिन बाद ही, 10-15 दिन बाद ही उनकी बॉडी मिली थी। वहाँ पे एवलांच बहुत आते हैं, उसका एक कारण लोग ये भी बताते हैं कि अमेरिका या ये एक्चुअली देश आपस में कुछ करते होंगे कि क्या कहते हैं, एक दूसरे की सिक्योरिटी के लिए पहाड़ों की चोटियों पे चिप लगाते हैं, या सैटेलाइट से चिप लगा के किसी तरीके से अंदर कुछ मतलब किया, तब से वहाँ पे एवलांच बढ़ गया। वो उन्होंने चाइना के उससे लगा रहा हुआ है, तब से फिर उसकी उन्होंने पीक की वो भी बंद कर दी है, मतलब वहाँ पे लोग नहीं जाते अब ट्रैक करने के लिए, पहले जाते थे, क्योंकि वहाँ पे इतने एवलांच आने लगे हैं, अब कोई भी
इलेक्ट्रॉनिक की रेस जो है किसी पीक पे भी पड़ेगी, तो आप लगाइए कितना डेंजरस हो जाएगा। और ऐसी ऐसी जगहों पे ये काम होते आ रहे हैं, ये बड़े बड़े देश और छोटे सब मिलके आपस में करते रहते हैं, हम तो थोड़ा पोल्यूशन करते हैं, ये बड़े लेवल पे करते हैं। इसी तरह हमारा ना गोमुख ग्लेशियर जो कि बहुत रिस्क ज़्यादा रिस्क फैक्टर पे है, जिस पे आप ये कह लो कि इंडिया की आधी आबादी गंगा, आधी ज़्यादा आबादी गंगा जी पे गुजर बसर कर रही है। अब क्या होगा वो पता नहीं, जैसे दिया ने दिखाया था ना कि 40 50 साल 70 साल बाद 100 साल बाद ये हाल होगा, आदमियों की शक्ल ही भूतों जैसी और वैसी हो जाएगी, वही लग रहा है। किसी लेडी ने मेरे से ये क्वेश्चन किया था और बहुत अच्छा था उनका, कि गंगोत्री मंदिर, गंगा जी का मंदिर जो है, भागीरथी कहते हैं वहाँ पे, तो वो तो खैर चलो मैंने उनको जवाब दे दिया था, मैंने कहा आई तो गंगा जी थी, भागीरथ लाए थे इसीलिए भागीरथी वहाँ से नाम पड़ा उनका, लेकिन गंगोत्री जी का जो मंदिर है, गंगा जी का जो मंदिर है वो वहाँ क्यों है, पीछे गोमुख में भी क्यों नहीं है, या गंगा जी का इधर क्यों नहीं है? तो पहले मैं बता दूँ, जो गोमुख ग्लेशियर था वो इधर ही था। कुछ लोग तो पुराने जो अंकल जो हमें मिले थे, जो हमें गोमुख लेके गए थे, वो बोल रहे थे कि धराली के आस से आगे पीछे जब गंगोत्री की साइड जाते हैं उधर था। देखिए धीरे 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 गंगोत्री से भी 18 किलोमीटर पीछे चला गया वो, और अभी भी बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। ईरान जैसा देश जहाँ पे पानी की कमी है, वो समुद्र से साफ़ करते हैं, समुद्र का साफ़ किया हुआ पानी पूरा उसको प्योरीफाई करके पीते हैं। यहाँ नदियों को, ग्लेशियरों, भगवान ने इतनी मेहरबानी कर रखी है, उनको ख़त्म करे जा रहे हैं, करे ध्यान ही नहीं दे रही है ना सरकारें, तो बिल्कुल ही नहीं दे रही है ध्यान हमारी। ऐसे एक्सपीडिशन ना रोक देनी चाहिए जहाँ पे हार्ड ग्लेशियर हैं जो कि डिपेंड करते हैं सारे, जैसे माउंट एवरेस्ट के भी मैंने देखे इतने बड़े बड़े क्रेवास बने हुए हैं उसके अंदर, बहुत बड़ा माउंट एवरेस्ट तो यार वो तो हिमालय का मेन हब है। दिया बोल रही है कि दाल मखनी खाऊंगी, अब मैं दोपहर में बनाऊंगी, अभी उसको फ्रूट्स वगैरह खिला देंगे। 2018 में या 19 में एवरेस्ट पे भीड़ जाम लगा था, ट्रैफिक जाम एवरेस्ट पे, माउंट एवरेस्ट पे। तो आप ये भी बोली, इसमें भी 41 जने थे एक साथ, वो कह रहे आने वाले टाइमों में ऐसा ही होगा कि ऐसी जगहों पे भीड़ होगी और डेली मतलब कितने हजारों लोग मारे जाएंगे, संख्या बढ़ती जाएगी। माउंट एवरेस्ट जैसी जगह पे ट्रैफिक जाम हो गया था, जो जिसने हमको मतलब बचा रखा है हमारे पूर्व की हवाओं से, इतने मतलब भयंकर टेम्परेचर से, सोचो अगर क्या हाल होगा, कितना बुरा हाल होगा। पहले मैं सोच रही थी कि गोमुख एक बार दोबारा से जाऊंगी, तपोवन रह गया था लेकिन मैंने वो कैंसिल कर दिया, गोमुख मैं दो बार होके आ चुकी हूँ, अब नहीं जाऊंगी। ये ऐसी जगहों पे ना जाएं जहाँ पे ग्लेशियर हैं और जो सीधा इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे डालते हैं, क्योंकि एक एक ह्यूमन के अंदर की जो गर्मी बॉडी, आप ये सोचिए कि हम जैसे इनर वो पहनते हैं, कोलंबिया का मैं इनर बताती हूँ, और उसको हमारी बॉडी की गर्मी इतनी होती है कि हीट लॉक के बाद हमें ज़्यादा सर्दी नहीं लगती, तो हमारी अपनी गर्मी कितनी मतलब वो करती है, एक एक इंसान की कितनी मतलब इफ़ेक्ट डालती है। तो भाई इसी को देखते हुए मैं यही मतलब सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, एक दो बार जो होके आ चुके हैं या एक बार जा चुके हैं वो बार बार ना जाएं। अभी देखिए द्रौपदी का डांडा, इन पर इतना दुख की बात है, किसी के 3 जो रेस्क्यू रहते हैं, 25 साल का है, कह रहे उसको ढूंढ रहे हैं, 3 दिन सर्च कर रहे हैं, उसको 3 बॉडी नहीं मिली है। लेकिन जैसे अब हम हर की दून जाएंगे, प्योर हार्ड कोर्ड ग्लेशियर नहीं है, छोटे मोटे आप चोपता चले जाइए, आप कहीं ऐसी जगहों पे चले जाइए, लेकिन जहाँ पे ग्लेशियर है वहाँ पे जाने से तो बचें। और उनके साथ बहुत संवेदनाएं हैं, वो जो सविता जी थी उन्होंने कितने ऐसे ट्रेनर थी, ट्रेनर होना एक बहुत बड़ी बात होती है, वो भी लेडी ट्रेनर नूमी जी भी, और वो भी तो सबके लिए। अब पता है क्या होता है, मैं कई बार स्माइल कर देती हूँ तो उसमें ये मतलब नहीं है कि मैं हंस के वो कर रही हूँ, कई बार क्या होता है आपको अंदर की दिल का जो दुख होता है उसको हंस के टालने की भी होती है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, तो इसको अन्यथा ना लेना, कई लोग ले जाते हैं। तो भाई माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं, पेड़ लगाने से ही हम कुछ हद तक अपनी नेचर और प्रकृति को बचा सकते हैं, और इससे ज़्यादा तो और क्या कह सकते हैं, क्योंकि
और ऐसी जगहों को खाली भी छोड़ देना तो ये अपने आप को रिकवर कर लेती हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग हमें देखनी, इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे पड़ता है और हमारे आने वाले हमारे बच्चे हैं वो भी किसी हद तक कर जाएंगे, उनके बच्चों पे 100% पड़ेगा, 100% पड़ेगा। तो इसको ध्यान रखते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और कुछ चीज़ें हमें आने वाले भविष्य मतलब अपने बच्चों के लिए धरोहर उनके लिए छोड़ के जानी चाहिए, नहीं तो वो नेचर को भूल जाएंगे कैसी नेचर होती है। तो माता पिता बच्चों का ध्यान और पेड़ लगाते रहिए, पेड़ बहुत फ़ायदा करते हैं। और वरुण भैया का पेड़ बचा हुआ है अभी डंडी और मेरा बड़ा हो गया है, तो हो सकता है मैं उसका ट्री गार्ड निकाल के उसमें लगा दूँ ताकि वो पीपल का पेड़ भी चल जाए। हर हर गंगे हर हर महादेव।